नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान का साहित्य और प्रमुख साहित्यकार इससे संबंधित जो पैंतीस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यह देखने वाले हैं और देखिए हर एक क्वेश्चन को हम पूरी व्याख्या सहित देखेंगे तो इन पैंतीस क्वेश्चन में ही आपके लगभग सौ से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा है तो सौ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और देखिए ये वीडियो हर एक एग्जाम जैसे पटवारी हो गया कांस्टेबल हो गया आर के कोई भी एग्जाम हो गए या फिर आर का कोई भी एग्जाम हो गया सबके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वीडियो है और देखिए ये क्वेश्चन आपने अगर ध्यानपूर्वक देख लिया तो मेरा ये मानना है कि इस टॉपिक से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ है तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपने राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ तो ये है अपने बीकानेर में ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर और देखिए अगर पूछ लिया जाता राजस्थान साहित्य अकादमी का है तो राजस्थान साहित्य अकादमी का है ये तो है उदयपुर में लेकिन राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर में है और जोधपुर में क्या है जोधपुर में है संगीत नाटक अकादमी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ जोधपुर में जयपुर में क्या है राजस्थान संगीत संस्थान संगीत संस्थान कहाँ जयपुर में है तो ये चारों बात आप ध्यान में रखें राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर यह आप सभी ध्यान रखें अगला क्वेश्चन है अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में किस भाषा का उल्लेख किया है तो देखिए आईने अकबरी जो किसकी पुस्तक है अबुल फजल की पुस्तक है इसमें कौन सी भाषा का उल्लेख किया, किया है इसने मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया है ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर और देखिए एक अंग्रेज भाषाविद थे जिनका नाम क्या है जॉर्ज अब्राहम गिरियसन जॉर्ज अब्राहम गिरियसन इनकी एक पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इसमें इन्होंने कौन सी भाषा का उपयोग किया है उल्लेख किया है तो ये क्या है राजस्थानी भाषा का उल्लेख लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है जॉर्ज अब्राहम गिरियन की इसमें राजस्थानी भाषा का उल्लेख किया है ये पुस्तक आई थी 1912 में और अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया है अगला क्वेश्चन है वीर सतसई और वंश भास्कर किसकी रचना है तो देखिए वीर सतसई और वंश भास्कर ये दोनों किसकी रचना है सूर्यमल मिश्रण की रचना है ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर और देखिए सूर्यमल मिश्रण कौन थे ये जो बूंदी के शासक थे हाड़ा शासक हाड़ा शासक राम सिंह राम सिंह सेकंड के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण और वंश भास्कर हुआ वीर सतसे इन्हीं की रचनाएं और देखिए इनकी अन्य रचनाओं की अगर बात करें सूर्यमल मिश्रण की तो कौन कौन सी रचनाएं देखिए ये हैं प्रमुख जो रचना है राम रंजाट ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है राम जन, रंजाट किसकी रचना है सूर्यमल मिश्रण की इसके अलावा गया सत्य रासो सत्य रासो हो गया बलवंत विलास हो गया ये सभी सूर्यमल मिश्रण की ही रचनाएं हैं तो ये भी आप ध्यान में रखें अगला क्वेश्चन है सूर्यमल मिश्रण किस शासक के दरबारी कवि थे देखिए हमने अभी देखा है किसके दरबारी कवि थे बूंदी के हाड़ा शासक राम सिंह सेकंड के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर और इनका जन्म कहाँ हुआ था बूंदी का जो हरना गाँव है हरना गाँव में इनका जन्म हुआ था अगला क्वेश्चन है तो देखिये बिज्जी किस साहित्यकार का इसके अलावा राजस्थान का शेक्सपियर भी इनको बोला जाता है राजस्थान का शेक्सपियर ये किसको बोला जाता है विजय दान देता को और देखिए इनके संबंधित जिला पूछा जाता है कि ये किस जिले से संबंधित है तो इनका जन्म हुआ था जोधपुर जोधपुर के जो बोरुंदा गांव है जोधपुर बोरुंदा यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और देखिए जोधपुर बोरुंदा में एक संस्थान स्थित है रूपायन संस्थान रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की कोमल कोठारी के साथ विजयदान देथा ने रूपायन संस्थान की स्थापना की है तो ये भी आप ध्यान में रखें कोमल कोठारी के साथ विजयदान देथा ने मिलकर रूपायन संस्थान की स्थापना कहाँ की बोरुंदा गांव जोधपुर में इसकी स्थापना की है और देखिए इनकी रचना एक बहुत फेमस रचना है बातारी फुलवारी बातारी फुलवारी ये पूछी जाती है ये किसकी रचना है ये विजयदान देथा की रचना है और ये इसमें चौदह भाग है दसवें भाग के लिए इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार बातारी फुलवारी के दसवें खंड या दसवें भाग के लिए विजयदान देथा को दिया जा चुका है तो ये आप ध्यान रखें अगला क्वेश्चन है कोकू किसकी रचना है कुकुया कुमकुम किसकी रचना है यह है कन्यालाल सेठिया की ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर देखिए कन्यालाल सेठिया को राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह भी कहा जाता है राजस्थानी भाषा का भीष्म कहा जाता है किसको कन्यालाल सेठिया को और इनके जन्म की बात करें तो ये भी पूछा जाता है जन्म कहाँ हुआ है इनका चूरू सुजानगढ़ में इनका जन्म हुआ है 1919 में मुझे कुमकुम हो गई इसके अलावा लीलटांस लीलटांस ये भी इन्हीं की रचनाएं लीलटांश के लिए इनको राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है तो ये भी फेमस रचनाएं ये पूछी जाती हैं लीलतांस हो गई कुमकुम -कुम हो गई धरती धोरारी हो गई पाथल पीथल ये भी फेमस रचना है पाथल पीथल ये भी इन्हीं की रचना है विजय सॉरी केन्यालाल सेठिया की ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर अगला क्वेश्चन है केर चकवाबात किसकी है तो देखिए केर बात ये रचना है अपने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की ऑप्शन थर्ड और देखिए राजघराना से संबंधित है उदयपुर का जो देवगढ़ ठिकाना है देवगढ़ ठिकाने में इनका हुआ था जन्म और देखिए कांग्रेस नेत्री भी हैं कांग्रेस नेत्री दो बार भीम जो राजसमंद में पड़ता है भीम राजसमंद से ये विधायक रह चुकी हैं कांग्रेस की और एक बार राज्यसभा सांसद भी रही हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और देखिए इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो केर चकवावात इसके अलावा गिर ऊंचा हो गया गिर ऊंचा यह भी महत्वपूर्ण रचना है ये भी पूछी जाती है इसके अलावा मांझल रात ये भी बहुत बार पूछी गई है मांझल रात भी इन्हीं की रचना है टाबरारी वाता टाबरारी वाता यह भी इन्हीं की रचना है इसके अलावा मूमल मूमल भी इन्हीं की रचनाएं ये सभी आप ध्यान में रखें

राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलवाने के लिए आवाज उठाई थी तो यह भी आप ध्यान में रखें 2014 में इनका हो गया था निधन अगला क्वेश्चन है कन्यालाल सेठिया की रचना पाथल और पीथल में पीथल किसके लिए प्रयुक्त हुआ है तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है पाथल पीथल किसकी रचना है कन्यालाल सेठिया की रचना है, है? यह आप ध्यान रखें इसमें पाथल कौन है पाथल तो है महाराणा प्रताप और पीथल कौन है पीथल है अपने पृथ्वीराज राठौड़ तो इसमें पिथल के लिए पूछा है तो पीथल हो जाएगा इसका पृथ्वीराज राठौड़ का नाम है साहित्यिक नाम पिथल तो ऑप्शन चार हो जाएगा इसका सही आंसर और देखिए कन्यालाल सेठिया की प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो हमने अभी देखा था पाथल पीथल हो गया इसके अलावा लीलटांस हो गई लीलटांस ये भी महत्वपूर्ण है इसके अलावा हो गया धरती धोरारी धरती धोरारी ये भी इनकी रचना है इसके अलावा हो गया मिंजर मिंजर भी इन्हीं की रचना है मायर रो हेलो मायर रो हेलो इन्हीं की रचना है इसके अलावा शब्द शब्द भी इन्हीं की रचना है ये सभी पूछी जाती है एग्जाम में आप ध्यान रखें इनको कौन कौन सी धरती दोहरा रही लीलटानस मिंजर निर्ग्रंथ मायर रो हेलो इसके अलावा शब्द ये सभी कन्यालाल सेठिया की ही रचना है देखिए हम भले ट्यूशन के माध्यम से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं लेकिन सभी महत्वपूर्ण तथ्य इसी वीडियो में हम देख लेंगे लगभग पूरा टॉपिक इस वीडियो में आपके कवर हो जाएगा भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन लगभग 90% परसेंट टॉपिक आपके इस वीडियो से कवर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कन्यालाल की रचना कौन सी नहीं है तो देखिए हमने अभी देख ली है लीलता मिंजर है धरती दौराई है लेकिन मारो बदलो नहीं है तो देखिए मारो बदलो ये कन्यालाल सेठी की रचना नहीं है यह विजय दान देथा की रचना है विजय दान देता की मारो बदलो और ऐसा ही एक और नाम मिलता है कौन सा मायड़रो रो हेलो रो हेलो अगर पूछ ले तो रो हेलो तो रचना है अपने कन्यालाल सेठिया की और मारो बदलो रचना है अपने विजय दान देता की तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपने सही आंसर यह कन्यालाल सेठिया की रचना नहीं है और देखिए इस वीडियो में हम जो भी पॉइंट देख रहे हैं व्याख्या जो भी देख रहे हैं सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है बार बार पूछी जाती हैं ऐसा नहीं कि हम फालतू में इनको देख रहे हैं सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो ये ध्यान से देखिए आप अगला क्वेश्चन है हमीर मधमर्दन के रचयिता कौन है तो देखिए हमीर मध्यमर्दन के रचयिता हैं जय सिंह है सूरी ऑप्शन चार हो जाएगा इसका सही आंसर और देखिए हमीर मधमर्दन के रचयिता हो गया जयसिंह सूरी और हमीर महाकाव्य पूछ लेता हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है हमीर महाकाव्य के रचयिता है नयन चंद सूरी तो ये दोनों में आप डिफरेंस समझे हमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी हमीर महाकाव्य नयन और देखिए चंद्रशेखर की भी एक रचना है कौन सी है हट। हट किसकी है चंद्रशेखर की तो ये सभी आप ध्यान में रखें हमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी हमीर हट चंद्रशेखर अगला क्वेश्चन है वह रचना जिसमें महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन है कौन सी रचना है? तो शक्ति सिंह का वर्णन किस में है सगत राशों में है शक्ति सिंह को सगत नाम से भी जाना जाता था तो सगत सिंह रासो भी नाम मिलता है इसका कहीं कहीं तो सगत सिंह रासो या सगत राशों में महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह और इनकी सभी वंशावली का वर्णन मिलता है और इसकी रचना किसने की थी सगत रासो के रचयिता है गिरधर आशिया गिरधर आसिया ने इसकी रचना की है तो ये भी आप नाम ध्यान रखें अगला क्वेश्चन है उद्योधन सूर्य की कुवलयमाला में कितनी देशी भाषाओं का वर्णन है तो देखिये कुवलयमाला किसकी है ये है उद्योधन सूर्य की और इसमें कितनी देशी भाषाओं का वर्णन है तो इसमें अठारह देशी भाषाओं का वर्णन है जिसमें मरु भाषा भी शामिल है कौन सी भाषा शामिल है मरु भाषा भी इसमें शामिल है और अठारह भाषाओं की इसमें वर्णन है और देखिये कुवलयमाला रचना कहां पर बैठ के की इन्होंने तो जालोर में बैठकर इन्होंने कुवले माला ग्रंथ की रचना की थी उद्यतन सूरी ने अगला क्वेश्चन है कन्यालाल सेठिया का जन्म किस जिले में हुआ है तो देखिए हमने अभी देख लिया ये कन्यालाल का जन्म कब हुआ था 1919 में कहां पर हुआ था चूरू चूरू में भी कहा सुजानगढ़ में सुजानगढ़ चुरू में इनका जन्म हुआ था तो ऑप्शन चार थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर सुजानगढ़ चुरू में कन्यालाल सेतिया का जन्म हुआ है और इनको राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामा भी कहा जाता है भीष्म पितामा पूछ ले राजस्थानी भाषा का तो कन्यालाल सेठिया को ही कहा जाता है अगला क्वेश्चन है पद्मावत के लेखक कौन है तो पद्मावत के लेखक ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर और देखिये शेर शाह के समकालीन कौन मलिक मोहम्मद जायसी और अगर पूछ ले पद्मावत ग्रंथ की रचना कौन सी भाषा में की है मलिक मोहम्मद जायसी ने तो इसकी भाषा कौन सी है अवधि भाषा तो ये भी आप ध्यान में रखें ये भी महत्वपूर्ण है अवधि भाषा में इसकी रचना की है मलिक मोहम्मद जायसी ने अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एल पी टेसी तोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव है तो देखिए अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत माना है राजस्थानी भाषा का उद्भव का तो डॉक्टर टे के अनुसार ये अपभ्रंश से, से राजस्थानी भाषा का उद्भव मानते हैं सोरसेनी अपभ्रंश यह तो है डॉक्टर के अनुसार अगर पूछ ले गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव कौन मानते हैं तो गुर्जरी अपभ्रंश से मानने वाले कौन है के एम मुंशी के एम मुंशी अगर पूछ ले तो यह है गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव मानते हैं मुंशी वह अनेक विद्वान मानते हैं गुर्जरी अभ्रंश से और नागर अभ्रंश से कौन मानते हैं ये मानते हैं जॉर्ज अब्राहम जोर्ज जॉर्ज अब्राहम ग्रीनसन का अगर मत पूछ लेते हैं नागर अपभ्रंश तो ये तीनों बातें आप ध्यान में रखें अगला क्वेश्चन है राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहते हैं तो हमने पहले ही देख लिया है राजस्थान का शेक्सपियर कह लो बिजी कह लो ये सभी कौन है विजयदान देता है ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर और देखिए विजयदान देता की अगर प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो विजयदान देता की रचना कौन कौन सी है एक तो हमने देख ली मारो बदलो मारो बदलो हो गई दूसरी है बापू के तीन हत्यारे बापू के तीन हत्यारे ये भी इन्हीं की रचना है एक और हो गई अलेखु हिटलर अलेखु हिटलर ये भी इन्हीं की रचना है इसके अलावा हो गया तिड़ू राव तिड़ू राव ये भी विजयदान देता की ही रचना है यह सभी आप अपनी नोटबुक में जरूर उतार लें क्योंकि महत्वपूर्ण है कौन कौन सी हो गई मारो बदलो हो गया बापू के तीन हत्या हो गई अलेकू हिटलर हो गई तीर्डो राव हो गई ये सभी विजयदान देता जिनको राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है इन्हीं की रचना है अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामा किसको बोलते हैं तो ये भी हमने देख लिया है राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामा कन्यालाल सेठिया को कहा जाता है अगला क्वेश्चन है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है तो देखिए राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं अपने मोहनोद नेणसी को ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर और देखिए ये कौन थे इनका जन्म हुआ है जोधपुर में जोधपुर में और जोधपुर के जो शासक थे जसवंत सिंह जसवंत सिंह के समय ये मारवाड़ के दीवान थे जसवंत सिंह के कार्यकाल के समय ये मारवाड़ के दीवान थे और इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी रचना कौन कौन सी है मारवाड़ रा परगनारी विगत प्रगनरी विगत ये इनकी प्रमुख रचनाएं इसके अलावा मूर्णोत्नसी विख्यात यह सभी इनकी प्रमुख रचनाएं और देखिये मूणोत्नसी के अगर अंतिम समय की बात करें तो इन्होंने अपना जीवन कैदी जीवन के रूप में बिताया और देखिए कैदी जीवन के रूप में जो इनको यातनाएं दी जाती थी तो उन यातनाओं से उत्पन्न आत्मग्लाने के कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली थी तो ऐसे कौन से साहित्यकार है जिन्होंने आत्महत्या की मूर्णोत्नसी ने तो ये भी आप ध्यान रखें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन उन्नीस राजस्थानी भाषा में लिखे गए ग्रंथ जिनमें आर्थिक सामाजिक स्थिति का भी वर्णन होता है वे क्या कहलाते हैं तो देखिए राजस्थानी भाषा के ऐसे ग्रंथ जिनमें आर्थिक और सामाजिक स्थिति का भी वर्णन होता है ये विगत कहलाते हैं ऑप्शन थर्ड जैसे नरसी का ग्रंथ कौन सा है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत मारवाड़ रा प्रगनारी विगत इसमें आर्थिक सामाजिक स्थिति का भी वर्णन हो रहा है तो ये विगत है ऑप्शन थर्ड और ख्यात क्या है ख्यात किसको बोलते हैं जैसे कोई राजवंश है उसकी उपलब्धियां बता रहे हैं, तो राजवंश की उपलब्धियां बताने वाला ग्रंथ ख्यात कहलाता है वात किसको बोलते हैं वात का मतलब होता है कोई भी राजवंश या कोई महापुरुष हो गया उसकी कहानी के माध्यम से उपलब्धियां बता रहे हैं अगर उपलब्धियां तो बता रहे लेकिन कहानी के माध्यम से बता रहे हैं तो ये हो गया वात तो ये सभी आप ध्यान में रखें अगला क्वेश्चन है राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं तो देखिए राजस्थान का गजेटियर किसको बोलते हैं ये हमने अभी देखा था मारवाल रा परगनारी विगत ये किसका ग्रंथ है मोनोत नैनसी का ग्रंथ है इसको राजस्थान का गजेटियर कहते हैं ऑप्शन चार हो जाएगा इसका सही आंसर और देखिए गजेटियर का मतलब क्या होता है गजेटियर का मतलब जो अंग्रेजों ने एक परंपरा चलाई थी कि उस समय की जो आर्थिक हो गई सामाजिक स्थिति हो गई भौगोलिक स्थिति हो गई उन सभी को एक ग्रंथ में लिखा जाता था उसको गजेटियर बोला जाता था तो ये राजस्थान का जो गजेटियर है राजस्थान की आर्थिक सामाजिक सभी स्थिति का पता लगाने वाला ग्रंथ कौन सा है परगनारी विगत है इसलिए राजस्थान का गजेटियर गजटियर परगनारी विगत को बोला जाता है अगला क्वेश्चन है दोला दोला, मारूरा दूहा के रचयिता कौन है तो देखिये डोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है कवि कल्लोल ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर कवि कल्लोल है डोला मारूरा दुहा के रचयिता और देखिए इस ग्रंथ में डोला की उम्र कितनी बताई है तीन वर्ष मारू की उम्र कितनी बताई है डेढ़ वर्ष डोला कौन थे ये नरवर का शासक था तो याद ध्यान रखें अगला क्वेश्चन है एक भिन्न दो बिंद किसकी कृती है तो देखिए एक भिन्न दो बिंद यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्रती है अपने श्रीलाल नतमल जोशी की ऑप्शन चार हो जाएगा इसका सही आंसर देखिए श्रीलाल नतमल जोशी की अन्य अगर रचनाओं की बात करें तो कौन कौन सी रचना है दोरा रो दोरी, दोरी पूछ ले तो दोकी रचना है श्रीलाल नतमल जोशी की देखिए धरती तो है सेठिया की दोरी है अपने श्रीलाल नथमल जोशी की इसके अलावा गया परनियोड़ी परनियोड़ी कुंवारी ये भी किसकी है? ये श्रीलाल नथमल जोशी की है एक बिन नहीं दो बिंद ये तीनों रचनाएं तो ये आप ध्यान रखें अगला क्वेश्चन है मुर्दो का टीला किसका उपन्यास है तो देखिए मुर्दो का टीला है अपने रांगे राघव का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर मुर्दो का टीला यानी कि मोहन जोदड़ो ये किसका उपन्यास है रांगे राघव का और रांगे रागे की अगर अन्य कृतियों की अगर बात करें तो कौन कौन सी हैं कब तक पुकारू यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कब तक पुकारू किसकी है? रांगे राघव की एक हो गया काका काका नाम की कृति भी इन्हीं की कृति है तो ये सभी आप ध्यान में रखें अगला क्वेश्चन है निम्न में से सुमिलित नहीं है कौन सा सुमिलित नहीं है निम्न में से देखिए एक तरफ ये कृतियां दे रखी हैं रचनाएं दे रखी हैं और एक तरफ इनके लेखक दे रखे हैं लू कृति किसकी हैं चंद्र सिंह बिरकाली की, है? की है। ये हैं ये इसमें करेक्ट है ये सुमेलित है और देखिए चंद्र सिंह बिरकाली यह प्रकृति का चित्रण अधिक किया है इन्होंने अपनी कृतियों में प्रकृति का चित्रण जैसे लू हो गया एक और कृति है इनकी बादली जैसे बादल या बादली ये सभी चंद्र सिंह बिरकाली की ही कृतियां हैं तो ये फर्स्ट तो सुमेलित है डांस हमने देख ही लिया कन्यालाल सेठिया की हैं पग फेरो नारायण सिंह भाटी की तो देखिए पग फेरो नारायण सिंह भाटी की नहीं है पग फेरो किसकी है पग फेरो अपने मणि मधुकर की मणि मधुकर तो अपने ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सुमेलित नहीं पग फेरो किसकी है मणि मधुकर की हैं नारायण सिंह भाटी की नहीं है बाकी जेम्स टोड का जीवन चरित्र ये लिखा था आपने शंकर हीराचंद ओझा ने तो ये भी सुमेलित हैं तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपने पग फेरो किसकी है मणि मधुकर की ऑप्शन थर्ड अगला क्वेश्चन तो है कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन है तो कानड़देव प्रबंध के रचयिता है अपने पद्मनाथ ऑप्शन चार सही आंसर इसका पद्मनाथ है कानड़देव प्रबंध के रचयिता अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि थे तो देखिए अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कवि कवि कौन से थे चंद्रप्रदाई सूर्यमल मिश्रण अबुल फजल या तानसेन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अबुल फजल ये थे राजस्थान के कवि जो अकबर के नवरत्नों में थे और देखिए अबुल फजल कहाँ के थे अबुल फजल मूलत नागौर के थे और इनका जो भाई था फैजी ये भी अकबर के नवरत्नों में था अबुल फजल भी हो गया फेजी भी हो गया ये अकबर के नवरत्नों में से एक था और अबुल फजल की जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं एक तो हो गया आईने अकबरी आईने अकबरी हो गया एक हो गया अकबरनामा अकबरनामा ये दोनों अबुल फजल की रचनाएं अगला क्वेश्चन है निम्न में से महाराणा कुंभा की रचना कौन सी नहीं है तो देखिए महाराणा कुंभा की रचना कौन कौन सी है सूर प्रबंध है संगीत राज हैं, संगीत मीमांसा है इसके अलावा रसिक प्रिया हो गया रसिक प्रिया सूर प्रबंध हो गया ये सभी महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं लेकिन संगीत शास्त्र इनकी रचना नहीं है तो ऑप्शन चार हो जाएगा अपने सही आंसर अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का शब्द कोश किसने तैयार किया था तो देखिए राजस्थानी भाषा का शब्द कोश तैयार करने वाले कौन है यह है सीताराम लालस ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का शब्द कोश तैयार किया था अगला क्वेश्चन है वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है तो देखिए वंश भास्कर में किसका इतिहास वर्णित है सबसे पहले यह आपको है वंश भास्कर किसकी रचना है यह सूर्यमल मिश्रण सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे बूंदी के थे कहाँ के दरबारी कवि थे बूंदी के जो हार सकते राम सिंह राम सिंह के दरबारी कवि थे तो इसमें किस राज्य का इतिहास वर्णित होगा बूंदी का ही इतिहास वर्णित होगा तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर बूंदी और उत्तरी भारत का इतिहास वर्णित है वंश भास्कर में अगला क्वेश्चन है निम्न कृतियों के रचयिताओं में से सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है देखिए खुमान रासो की रचना किसने की कि थी दलपत विजय यह सही है वीर विनोद वी श्यामल दास ये भी सुमेलित है शिशुपाल वध महाकाव्य कविमाग ये भी सुमेलित है और ललित विग्रहराज देखिए ललित विग्रहराज की रचना किसने की है जो विग्रहराज चतुर्थ या बिशल देव थे इसके दरबारी कवि कौन थे सोमदेव सोमदेव ने इसकी रचना की है जिसमें विग्रहराज के बारे में लिखा तो तो है तो देखिए ललित विग्रहराज संबंधित तो किससे हैं विग्रहराज चतुर्थ से हैं लेकिन रचना करने वाले कौन है सोमदेव है तो ऑप्शन उपसे, चार हो जाएगा सुमेलित नहीं है और देखिए विघहराज चतुर्थ या बिशल देव इन्होंने भी एक नाटक लिखा था जिसका नाम क्या है हरी केली नाटक तो ये हरी केली नाटक पूछ ले तो ये किसने लिखा था विघहराज चतुर्थ ने लिखा था और ललित विघ्रराज लिखने वाले कौन है सोमदेव जो विघराज चतुर्थ या बिशल देव दोनों इन्हीं का नाम है इसके दरबारी कवि थे अगला क्वेश्चन है दूरसा आड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है तो देखिए दूरसा आड़ा ने किस ग्रंथ को कहा है पांचवा वेद ये कहा है अपने वेली किशन रुकमणि ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर और देखिए वेली किशन रुकमणी की रचयिता कौन है ये किसने लिखा है ये पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है पृथ्वीराज राठौड़ जिनको पिथल नाम से भी जानते हैं साहित्यिक नाम क्या है इनका पिथल इन्होंने इसकी रचना की है और इस ग्रंथ को इन्होंने दूरसा आड़ा ने पांचवा वेद कहा है और देखिए पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे ये जो बीकानेर के शासक थे राय सिंह राय सिंह के छोटे भाई थे और पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि थे अगला क्वेश्चन है चेतावनी रथ चुंगटिया नामक कविता केसरी सिंह भारत ने किस शासक के लिए लिखी थी तो देखिए चेतावनी रथ चुंगटिया किसकी रचना है केसरी सिंह भारत की है और ये किसके लिए लिखी थी मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह जी मेवाड़ के महाराणा इनके लिए लिखी थी और क्यों लिखी थी जब दिल्ली में लार्ड कसन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था तो उसमें जाने से रोकने के लिए फतेह सिंह जी के लिए चेतावनी लिखा था और इसमें पूछ ले कितने बाघ हैं तो तेरा दोहे चेतावनी राज चुंगटिया में जिसको सुनकर ये उस दरबार में नहीं गए थे फतेह सिंह जी अगला क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है देखिए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भारत का भाषाई सर्वेक्षण इसके लेखक कौन है जॉर्ज अब्राहम गिरीसन और इसी पुस्तक में इन्होंने राजस्थानी भाषा का भी उल्लेख किया है जैसा कि हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन में देख लिया था अगला क्वेश्चन है राजस्थानी का प्रथम नाटक कौन सा है तो देखिए राजस्थानी का प्रथम नाटक अगर पूछ ले तो यह है केसर विलास ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर और एक किसने लिखा था केसर विलास ये लिखने वाले हैं शिवचंद चंद्र शिव भरतिया शिवचंद भरतिया ने यह नाटक लिखा था केसर विलास और अगर पूछ ले राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है तो कनक सुंदर जो है यह भी शिवचंद भरतिया का ही उपन्यास है यह राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है तो यह दोनों बात आप ध्यान रखें प्रथम नाटक पूछ ले तो केसर विलास है यह भी शिवचंद भरतिया का है और प्रथम राजस्थानी भाषा का उपन्यास पूछ ले तो यह भी है कनक सुंदर और ये शिवचंद भरतिया का है दोनों अगला क्वेश्चन है कीर्तार बावनी और विरुद्ध छतहरी किसकी रचनाएं हैं तो देखिए कीर्तार बावनी व विरुद्ध छतहरी यह किसकी रचनाएं दूरसा आड़ा की रचना है ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर और ये कौन थे अकबर के दरबारी कवि थे दूरसा आड़ा और देखिए जो कीर्तार बावनी है इसमें प्रताप की उस समय की जो आर्थिक व सामाजिक स्थिति है इसका भी वर्णन किया है दूरसा आड़ा ने और ये अकबर के दरबारी कवि थे दूरसाड़ा किरतार बावनी और विरुद्ध छत्री तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान का साहित्य व साहित्यकार से संबंधित पैंतीस महत्वपूर्ण क्वेश्चन वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे वीडियो रेगुलर देखते रहते हैं भले ही कम पढ़ते हैं लेकिन जितना पढ़ते हैं बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो चैनल सब्सक्राइब आप जरूर कर दें और देखिए अन्य जैसे रचनाएं होगी पृथ्वीराज विजय ये जया पृथ्वीराज विजय के जयानक हो गया पृथ्वीराज रासो यह हो गया आपने चंद बरदाई ये सभी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वो यहाँ पर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ जय हिंद जय जै भारत